मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दरिंदगी से सहमी धर्म नगरी, नाव पर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, बारी बारी से लूटते रहे अस्मत, जाने पूरा मामला। चित्रकूट जिले में प्रेमी संग मंदाकिनी नदी में नाव पर घूम रही मध्य प्रदेश की एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपी स्थानीय नाव चलाने वाले युवक है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रेमी को भी दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा है। गन्ना जिले की सीमा से सटे नया गांव चित्रकूट मध्य प्रदेश थाना अंतर्गत भरतघाट की मंदाकिनी नदी में नाव पर हुई। बांदा जिले के सुहाना गांव निवासी मनोज यादव 21 वर्षीय के साथ शुक्रवार की देर शाम को मध्य प्रदेश के बरहंदा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी घूमने आई थी। देर रात तक दोनों नाव पर घूमते रहे। इसी बीच नाविक कैप्टरा निवासी संतोष कुशवाहा ने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया और धीरे धीरे दो नाव और इनके पास आ गए। चित्रकूट मध्य प्रदेश थाना सर्किल के सीओ आशीष जैन ने बताया कि नाव पर प्रेमी मनोज किशोरी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। रात भर पांचों करते रहे हैवानियत। उसे देख अन्य नाविक भी उसी नाव पर आ गए। सभी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। रात लगभग 3 बजे तक किशोरी के साथ हैवानियत की गई। इसके बाद नाविकों ने किशोरी व उसके प्रेमी को घाट किनारे उतारे और धमकी देकर भगा दिया। दोनों थाने पहुंचे और मामले की जानकारी दी। किशोरी की तहरीर पर रिपोर्ट हुई दर्ज। तत्काल पुलिस टीम एक्शन में आई और 4 घंटे के अंदर आरोपी संतोष कुशवाहा 20 वर्षीय के अलावा विनोद निषाद 23 वर्षीय, चौगलिया सीतापुर निवासी पंकज जोशी 18 वर्षीय, कटरागुदर निवासी रामगोपाल निषाद 23 वर्षीय, मोहित निषाद 23 वर्षीय को दबोच लिया। शनिवार को किशोरी के परिजन मौके पर पहुंचे। सामूहिक दुष्कर्म की घटना में तीर्थ यात्रियों में भय। बता दें कि धर्मनगरी के प्रमुख स्थल मंदाकिनी नदी स्थित रामघाट के भरत घाट पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने झकझोर दिया है। यूपीएमपी बॉर्डर पर स्थित घाटों पर 100 से ज्यादा नावें रहती हैं, जो तीर्थयात्रियों को नदी की सैर कराती है। इस घटना से तीर्थयात्री भी भयभीत है। पुलिस टीम हर तीर्थयात्री की कर रही है जांच। इस घटना के बाद सूर्यास्त होते ही पुलिस टीम हर तीर्थयात्री की जांच कर रही है। हर दिन इन स्थानों पर हजारों तीर्थयात्री मंदाकिनी में स्नान और पूजन के लिए आते हैं। शनिवार की सुबह नाव में सामूहिक दुष्कर्म की घटना से तीर्थयात्रियों में भय रहा। कानपुर की गीता द्विवेदी ने बताया कि वह बेटी और पति के साथ दर्शन करने आती है। लोग बोले सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। रात में भी नदी किनारे पूजन करती है। इस घटना के बाद से अब डर लगता है। चंदौली से आए शिव कुमार ने बताया कि हर अमावस्या पर पूरे परिवार के साथ आकर नाव में मंदाकिनी का पूजन करते हैं। रात में भी नौका विहार करते थे। इस घटना से डर लग रहा है। पुलिस को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए। नाविकों की मनमानी के आगे किसी की नहीं चलती। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।